भगवान शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि की हर वस्तु का स्रोत माना जाता है, लेकिन कई विचारक आपको ये कहते मिल जाएंगे कि उनका अस्तित्व सिर्फ हिंदू धर्म तक ही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भगवान शिव का अलग अलग धर्म और समुदाय में क्या स्थान है। जिला रायसेन मध्य प्रदेश, जहाँ पर स्थित है भीम सेल का रॉक सेल्टर। इन चट्टानों पर कई आकृति बनी है और इनका रिसर्च करने पर पता लगता है कि ये आकृतियाँ 30,000 साल पुरानी है, जिन्हें यहाँ इन गुफाओं में रहने वाले मानवों ने बनाया था। इन मानवों को आज स्टोन एज मैन कहा जाता है। इन्हीं आकृति में पाई गई है भगवान शिव की कई मूर्तियाँ। इन आकृतियों में भगवान शिव ने नटराज रूप को दिखाया है। इन मूर्तियों से पता चलता है कि इतने साल पहले भी भगवान शिव को माना जाता था। वेटिकन सिटी इटली, जहाँ पर स्थित है जॉर्जियन पितृ कृष्ण म्यूजियम, जिसमें रखा गया है 3,000 साल पुराना शिवलिंग। ये शिवलिंग ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थल के नीचे पाया गया था। इंडोनेशिया, जिसको दुनिया का सबसे मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है, जहां भगवान शिव को एक अलग नाम से जाना जाता है, वहां इन्हें बाटरा गुरु कहा जाता है, जो सृष्टि के रचयिता माने गए हैं। वहां पर उनके कई अन्य अवतारों के बारे में भी बताया गया है, यहां तक कि उनकी आकृति अलग तरह से दर्शाई गई है। बुद्ध धर्म में भी भगवान शिव को महाकाल और शिव के नाम से बताया जाता है। उनका काम सृष्टि का संतुलन बिगड़ने पर विनाश लाकर उनका दोबारा निर्माण करना है। जापान में 7 लकी गॉड को माना जाता है, जिसमें से एक गॉड भगवान शिव से प्रेरित माने जाते हैं। उनका नाम महाकाल माना जाता है। उनकी तस्वीर को घर में लगाना शुभ माना जाता है, जिसे सुख और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। बाइबल में ही इस बात का जिक्र मिलता है कि ईश्वर ने वो महान बाढ़ लाई थी, जिसको जेनेसिस कहा जाता है। ईश्वर ने इंसानों के बुरे कर्मों के कारण विनाश लाए थे, लेकिन उससे बचने का मौका भी दिया था, और कुछ चुने हुए इंसान नाव बनाकर तथा कुछ बीज लेकर बच पाए। यही कथा हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार से जुड़ी है, जिसमें भगवान शिव ने बुरे कर्मों के कारण बाढ़ लाई थी, और भगवान विष्णु, जो सृष्टि के संचालक है, उन्होंने कुछ चुने हुए लोगों को बचाया और फिर से जीवन को बसाया। अगर आप इन दोनों कहानियों का मिलान करेंगे तो यही पाएंगे कि ये वही ईश्वर है जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं। इसके अलावा भी ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और अन्य धर्मों में यही बताया गया है कि अंत का समय आएगा तो ईश्वर विनाश लाएंगे, और जिसने जैसा कर्म किया होगा उसको उसके हिसाब से वही सजा मिलेगी। इसी दिन को जजमेंट डे बताया गया है। ऐसा ही कुछ हिंदू धर्म में बताया गया है कि अंत में भगवान शिव प्रलय लाएंगे और हर किसी को कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, और इस प्रलय से कोई नहीं बचेगा। अगर आप हर धर्म से मिलान करेंगे तो आपको पात्र ऐसे ही मिलेंगे जो इस तरफ इशारा करते हैं कि भगवान शिव के अस्तित्व को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। लेकिन सबको एक बात माननी पड़ेगी कि जब अंत आएगा तो हम किसी भी नाम से पुकारे, आपका हिसाब तो उन्हीं के हाथों से होगा। हर हर महादेव दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।